ऐसा लग रहा है कि सदियां बीत गई तुम्हें प्यार किए बेटा। पापी, जब से तुम गई हो घर सुना सुना सा हो गया, ऐसा लगता है यहाँ कोई रहता ही नहीं है। जो मोहब्बत और सुकून मुझे यहाँ आप दोनों के पास मिलता है ना, वो कहीं भी नहीं है। ये घर तो मेरे लिए जन्नत है। मेरे बेटे, ये जन्नत तो हमेशा तुम्हारे लिए यहाँ पे रहेगी। तुम जब भी आओगी ना, हमारी बाहें खुली होंगी तुम्हारे लिए। कॉफी बनाऊं तुम्हारे लिए? हाँ हाँ, मेरे लिए भी। चलो आज सुहैली बना देते हैं। अच्छा, बेटी की खुशी में। तैमूर आ गए तुम? जी। तुमने अनाया से कहा था कि तुम बिजी हो, क्लाइंट से तुम्हारी मीटिंग है, मगर तुम तो मेहर के साथ थे। हाँ मामा, मैं वो मीटिंग में ही था। वो बस तायाजान की गाड़ी खराब हो गई थी तो उन्होंने कहा कि मेहर को पिक कर लो, मैंने कर लिया। वाह बेटा वाह, क्या बात है। तायाजान ने एक बार कहा और तुम्हें बात समझ में आ गई। बीवी सुबह से कह रही है कि उसकी तबीयत खराब है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं। तो खाला, आप उसे हॉस्पिटल ले गई थी ना, तो इतना बड़ा इशू बनाने की कोई जरूरत नहीं है। देख रही है आप, देख रही है इसे, इसके सामने कोई इशू ही नहीं है। बीवी के सामने साबिका मंगेतर को वैल्यू दी जा रही है और बीवी की कोई वैल्यू ही नहीं। अरे अगर यही सब कुछ करना था तो नए से शादी क्यों की है? हाँ, पछता रहा हूं, गलती करके पछता रहा हूं, बेवकूफी कर दी मैंने। देखा अभी, मेरी बच्ची रो रो के कमरे में निढाल हो गई इसके लिए और ये कह रहे बेवकूफी। बिहेव योर सेल्फ तैमो, शी इज एक्सपेक्टिंग। व्हाट व्हाट नहीं, व्हाट अ गुड न्यूज। इस घर में तुम्हारे बाद एक बच्चा आ रहा है और तुम्हें तुम्हें अनाया की कोई कदर ही नहीं है। आई कांट बिलीव दिस मॉम, मैं बाप बनने वाला हूँ। आई मीन कहाँ है अनाया, कहाँ पर? कहाँ होना है उसने, वो तो ये खुशी तुम्हारे साथ शेयर करना चाहते थे। अब अपने कमरे में रो रही है, तुमने तो उसे दुखी कर दिया। सबर करो, जाओ बेटा जाओ जाओ। मैं जाओ जाओ, हद होती है इसी बात की। ताहिरा प्लीज रिलैक्स, तैमूर की जगह मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। आई एम रियली सॉरी। क्या रिलैक्स आपी, मुझे तो लगता है अब हमारा बोरिया बिस्तरा बांध के यहाँ से जाने का वक्त आ गया। अरे नहीं, रिलैक्स करो, बैठो।